हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम अपनी गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी क्लीन करने वाले हैं। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है, मतलब समय के साथ पुरानी होती जाती है, तो थ्रॉटल बॉडी में क्या होता है कि कार्बन डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे आपको आरपीएम में फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम जैसे फेस करने पड़ते हैं। कभी आरपीएम हाई हो जाए, कभी बंद हो जाए, कभी गाड़ी बंद पड़ जाएगी, स्टॉल पड़ जाएगी, तो ये सब प्रॉब्लम आते हैं जब थ्रॉटल बॉडी आपकी गाड़ी की गंदी होती है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हर 10,000 किलोमीटर पर अपनी गाड़ी का थ्रॉटल बॉडी ज़रूर साफ करवाएं। सो गाइस, अभी जो आरपीएम नीडल आप देख सकते हो, तो आइडलिंग में थोड़ी ऊपर उठ चुकी है 1000 से। तो ये कभी कभी क्या होता है, जब भी मैं बाहर लेके जाता हूँ तो ये अप एंड डाउन होने लगता है, गाड़ी बंद पड़ जाती है। अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी हल्का हल्का आपको हो रहा है, जो कि कैमरा में उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। देख सकते हो, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, ये देख रहा फ्लक्चुएशन आ रहा है आरपीएम में। तो ये देखो, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। सो गाइस, थ्रॉटल बॉडी आपको साफ करने के लिए आपको ये जो एयर फिल्टर वो निकालना पड़ेगी। ये मारुति सुजुकी की वैगनार है, हर गाड़ी में सेम ही होता है, थ्रॉटल बॉडी एयर फिल्टर के आसपास ही रहती है। तो आपको ये बस चेकआउट करना है कैसे कहाँ पे। तो ये मैं फ़िल्टर निकालूंगा, इसके लिए आपको ये क्लैंप दो हटाने होंगे, ये क्लैंप लूज़ करने होंगे मुझे, और एक ये जो नीचे जो क्लैंप है वो मुझे वहाँ पे लूज़ करने होंगे, फिर ये थ्रॉटल बॉडी एकदम मेरा साफ दिखने लगा यहाँ पे। ठीक है, सो गाइस, एयर फिल्टर हम लोग का निकल चुका है कम्प्लीटली बाहर। और जैसे फ़िल्टर को भी हम लोग जब निकल ही गए तो फ़िल्टर को भी हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे साफ़ कर लेंगे। और इसमें देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा हो गया, ये इसे भी अच्छी तरीके से हम लोग साफ़ करेंगे। सो गाइस, इस जो सेंसर है यहाँ पे, जो मास एयर फ्लो का सेंसर होता है, इसे ज़्यादा हम लोग छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके छेड़ने पर क्या होता है, कभी कभी इंजन चेक लाइट ब्लिंक कर जाती है अपनी, तो इसे ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग इसको लूज़ कर देंगे, जो नीचे वाला इसका है। सो गाइस, सारा फिल्टर का तामझाम मैंने हटा दिया यहाँ पे, और ये जो थ्रॉटल बॉडी अब देख सकते हो उतनी ज़्यादा गंदी नहीं है। फिर भी आप यहाँ पे अंदर देख सकते हो, थोड़े थोड़े यहाँ पे कार्बन डिपॉजिट हो गए, जिससे कि आइडलिंग में हल्की बहुत फ्लक्चुएशन आ रही है मुझे। और इसमें क्या होता है कि एक आइडलिंग वाल्व होता है जो आरपीएम का, आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे कर पीछे, हाँ, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा यहाँ पे होल दिए गए, ये आइडलिंग वाल्व को स्प्रे करने के लिए दिया गया, क्योंकि वो घूमते घूमते जाम हो जाता है तो आइडलिंग में आपकी प्रॉब्लम होने लगती है, गाड़ी स्टॉल पड़ जाती है। तो इससे भी हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से स्प्रे करेंगे इसके अंदर। तो गाइस, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और स्प्रे करके इसको अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। तो गाइस, अभी सारे इधर का साफ हो चुका है और अभी आइडलिंग वॉल्व को साफ करेंगे इसके अंदर होल से डाल के। तो गाड़ी बंद पड़ती है, बट आपको डाल के ऐसे स्लेट करते रहना है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि आप जैसे थ्रॉटल बॉडी साफ करो वैसे कार्बोरेटर आपको साफ नहीं करना, क्योंकि कार्बोरेटर में आपका तेल नीचे जमा रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितना तेल यूज़ हुआ बाकी सारा टैंक में वापस चले जाता है। तो आपको कार्बोरेटर को अगर साफ करना है इससे थ्रॉटल बॉडी से, तो आपको कार्बोरेटर पूरा डिसेंबल करके एक पार्ट उसमें पेट्रोल निकाल के फिर साफ करना है, ऐसे जब इसको साफ करते हैं। सो गाइस, थ्रॉटल बॉडी का सारा काम हो चुका है, क्लीनिंग सारे फिट विट कर दिए मैंने। अभी आप देखो आइडलिंग, आप देखो 1000 पे हो रही है। अगर आपकी बड़ी इंजन है, ये 1000 cc का, इसका 1000 तक चलता है। अगर आपकी मान लो 1500 cc है, तो 800-900 के बीच में आपकी आइडलिंग आरपीएम होनी चाहिए। सो गाइस, अगर आपको इसका लिंक चाहिए थ्रॉटल बॉडी क्लीन का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, थ्रॉटल बॉडी हम लोग साफ़ कर रहे थे, तो आप ये देखो कि एग्जॉस्ट के थ्रू कितना ज़्यादा यहाँ पे काला काला आ गया है। ये सब कार्बन के डिपॉजिट है, हम देख रहे हो इतने ज़्यादा गंदगी थी, मतलब आइडलिंग में तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई इसकी वजह से। सो गाइस, बस इतना ही सा काम था आपको, जस्ट वो थ्रॉटल बॉडी फिल्टर वगैरह सारा निकालने से स्प्रे करना था, और गाड़ी बिजली में बंद पड़ेगी, बट आपको चालू करके ऐसे प्रेशर करते रहना, और जैसा मैंने दिखाया यहाँ कितना ज़्यादा गंदा गिरा है। बस इतना ही से काम था। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो ज़रूर एक लाइक करते हुए जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।